कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें या फिर आज के दौर में ख्वाहिशात कह लें बढ़ती हैं, वैसे वैसे वो नई चीज़ इन्वेंट करता है। अगर इस कोट को मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पहले आपको याद होगा कि लार्ज साइज मोबाइल फ़ोन्स आते थे जिनमें एंटेनाज होते थे लाइक नोकिया 6110। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया फ़ोन्स काफ़ी कॉम्पैक्ट होते गए, पहले ब्लैक एंड वाइट डिस्प्लेज होती थी और फिर कलर फ़ोन्स आए। और जब से फ़ोन स्मार्ट हुए यानी स्मार्टफोन्स आए तब से तो मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ गया। डिस्प्ले, डिज़ाइन, कैमराज और यूज़र इंट्रैक्शन सब बदल गया, सब मतलब सब। इसी सिलसिले में 2019 में एक और नया कॉन्सेप्ट आया जो कि है फोल्डिंग फ़ोन्स या फिर कहें फोल्डेबल फ़ोन्स। असल में एक टैबलेट साइज़ फ़ोन्स है जिनको आप फोल्ड कर सकते हैं और इनको चाहे तो आप सिंगल फ़ोन्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहे तो ओपन करके टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। हालांकि फोल्डिंग फ़ोन्स काफ़ी पहले से बन रहे हैं और चाइनीज़ फर्म रोयोन ने काफ़ी पहले फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च किया था, पर ये मेन स्ट्रीम इसी साल हुआ है। हालांकि फोल्डिंग फ़ोन का कॉन्सेप्ट आने से पहले ही फ्लॉप हो गया था। जब इस साल के शुरू में सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड अनाउंस किया तो इस फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आईं। कभी स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया तो कभी डिस्प्लेज में इशू आए, मतलब सैमसंग का ये फ़ोन सिर्फ हवाबाजी बनकर रह गया। वैसे इन फोल्डेबल फ़ोन्स पर एक मुहावरा सटीक बैठ रहा था कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, और लगता है शायद सैमसंग को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था जिसकी वजह से इन फ़ोन्स का लॉन्च पोस्टपोन करना पड़ा। अब जब दोबारा से सैमसंग, हुआवे और कई दूसरे फोल्डेबल फ़ोन्स मार्केट में आए हैं तो आज हम जानेंगे कि क्यों मार्केट में फ़िलहाल सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है फोल्डेबल फ़ोन्स का आइडिया। सबसे पहला इशू जो फोल्डेबल फ़ोन्स फेस करते हैं वो है हिंज माल फंक्शन। हिंज उस मूवेबल जॉइंट को बोलते हैं जहाँ से फ़ोन फोल्ड होता है। अक्सर लैपटॉप में भी हिंज इशूज़ आते हैं, पर क्योंकि लैपटॉप्स को हम इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते जितना कि फ़ोन को करते हैं, तो फोल्डिंग फ़ोन्स में हिंज का इशू देर सवेर आ ही जाएगा। ये प्रॉब्लम फ्लिप फ़ोन्स के साथ भी आई थी जिसके बाद फ्लिप फ़ोन्स का कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया था। तो फोल्डिंग फ़ोन्स विल इवेंचुअली ब्रेक, यही सेम इशू गैलेक्सी फोल्ड में भी आया था। दूसरा इशू फोल्डेबल फ़ोन के साइज़ और वेट को लेकर है। फोल्डिंग फ़ोन्स ऑफ कोर्स साइज में एक एवरेज फ़ोन के मुकाबले बड़े होते हैं और इनका वेट भी ज़्यादा होता है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की थिकनेस 17.1 mm है, ऐसे ही हुआवे मेट एक्स के साथ भी है। यानी जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस दो फ़ोन्स के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में जब लोगों को हैंडी और कॉम्पैक्ट फ़ोन की तलाश होती है तो फोल्डिंग फ़ोन्स कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। अब नॉर्मल फ़ोन्स में ही आपको 6.5 इंच तक की डिस्प्ले मिल जाती है और अगर बड़ी स्क्रीन चाहिए तो लोग टैबलेट्स यूज़ करते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कंसर्न है इन फ़ोन्स को लेकर प्राइस का। फोल्डिंग फ़ोन्स की कीमत अराउंड 1.5 लाख रुपए है, मतलब आईफोन्स के लिए लोग किडनी बेचने की बात करते हैं, अब इसके लिए क्या बेचेंगे, शायद लिवर और किडनी दोनों। और अगर 1.5 लाख रुपए के खर्च करने के बाद भी फ़ोन्स की ड्यूरेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा हो, इट्स नॉट अ वाइज डील एट ऑल। जितने में आप एक फोल्डिंग फ़ोन खरीदेंगे उतने में दो गैलेक्सी नोट 10 आ जाएंगे और इतने ही प्राइस में आपको दो आईफोन 11 भी अवेलेबल हो जाएंगे। एक कंसर्न और है जो फोल्डिंग फ़ोन को लेकर है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। अगर आप फ़ोन को फोल्ड करते हैं तो उसकी कवर स्क्रीन अराउंड 4.6 इंच की रह जाती है, तो इससे बड़ी स्क्रीन तो आपको किसी भी 10,000 रुपये की कीमत वाले फ़ोन में अवेलेबल हो जाती है। ऐसे में अगर आपको फ़ोन को यूज़ करना है तो उसको अनफोल्ड करना होगा और फिर वो हैंडी नहीं रह जाता और इसको आप एक हाथ से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इट विल लुक ऑड और आपको आपका फ़ोन एक टैबलेट वाली फील देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब फर्स्ट जनरेशन के फोल्डिंग फ़ोन्स हैं, इनका प्राइस ज़्यादा है और इश्यूज़ भी आ रहे हैं। कंपनीज़ कहती है कि इनके हिंज को काफ़ी टेस्ट कर लिया गया है, पर ये सब टेस्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं, तो ऐसे में फोल्डिंग फ़ोन्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होता नहीं दिखाई देता है। अब आप क्या सोचते हैं फोल्डिंग फ़ोन्स के बारे में, आपकी राय मुझसे थोड़ी अलग है या फिर आप मुझसे इत्तफाक रखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझको जरूर बताएं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।